स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं बना रही हूँ हमारे राजस्थान की दाल ढोकली, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो मैं किस तरह बनाने वाली हूँ दाल ढोकली, ये देखने के लिए मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरी बताई गई रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकन के बटन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दाल ढोकली। दाल ढोकली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी तुवर दाल ली है, तेल मिक्स वाली, जिससे मैं दो तीन बार पानी में धो दूंगी अच्छे से। दाल मैंने धो ली है और थोड़ी देर में भिगो के रख लेती हूँ। दाल अच्छे से भीगी है तब तक मैं ढोकली के लिए आटा तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है आटा और एक चम्मच मैंने लिया अजवाइन। तो अच्छे से हथेली से रगड़ कर मैं आटे में अजवाइन डाल देती हूँ, अच्छी खुशबू आएगी। एक चम्मच हिमालय का पिंक सॉल्ट और एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। एक चम्मच जीरा। अब मैं आटे के अंदर मोइन के लिए थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, जिससे ढोकली सॉफ्ट बनेगी और एक दूसरे को चिपकेगी नहीं। आटे को मैं मिक्स कर देती हूँ मसाले के साथ। तो आटा यहाँ पर मिक्स हो गया है। ढोकली के लिए आटा अभी लगाना शुरू कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ आटे के अंदर। रोटी का आटा लगाने से थोड़ा अलग आटा लगाते हैं, ये थोड़ा टाइट आटा लगाते हैं ढोकली के लिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, इस तरह से मैंने आटा लगा दिया है। रोटी के आटे से थोड़ा टाइट है आटा। अब आटे पे मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ, घी या तेल कुछ भी लगाया है थोड़ा सा। देखिए इस तरह से मैंने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। इतना टाइट रखना है आटे को। तो अभी मैं कुकर में पानी डाल दिया है और पानी के अंदर मैं दाल डाल के उबलने के लिए रख देती हूँ दाल को। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ दाल के अंदर और एक चम्मच नमक। मैंने कुकर को बंद कर दिया है, अभी गैस पर मैं उबालने के लिए रख देती हूँ दाल को। दाल उबले तब तक मैं ढोकलिया बना के तैयार कर लेती हूँ। छोटी छोटी लोई बनानी है। इस तरह से ढोकली बनाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। आप चाहो तो रोटी जैसे बेलते हैं वैसे बेलकर फिर पतली कट करते हैं वैसे कट भी कर सकते हो, तो थोड़ी जल्दी बन जाएगी ढोकली, पर मैं इस तरह बना रही हूँ। इस तरह मैं सारी बना लूँगी। यहाँ पर मैंने सारी ढोकली तैयार कर ली है। इस तरह से देखिए एक दूसरे को चिपक भी नहीं रही है, सब अलग अलग पड़ी है। और सबकी एक साइज लग रही है, देखो ना कोई छोटी मोटी नहीं है। अब मैं गैस स्टार्ट कर रही हूँ और पैन कढ़ाई रख रही हूँ गैस के ऊपर, मसाला फ्राई कर देती हूँ।
सबसे पहले मैं एक बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। घी गरम हो गया है, एक चम्मच जीरा डाल देती हूँ, थोड़ी सी राई, 6 से 7 कड़ी पत्ते, लहसुन और अदरक को बारीक कट करके लिया है वो भी डाल देती हूँ। अच्छे से मिला लेती हूँ। बारीक कट करके रखी हरी मिर्च भी डाल देती हूँ, मिर्च कम या ज्यादा कर सकते हो आप, मैंने यहाँ पे 3 मिर्ची डाली है। और आधा चम्मच हींग पाउडर, इन सबको अच्छे से मिला लेती हूँ। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, हल्दी मैंने दाल उबालते टाइम भी डाली है इसलिए मैंने यहाँ पर कम डाली है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन सबको अच्छे से मिला लेती हूँ। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 2 टमाटर लिए थे, उनको बारीक कट कर लिया है और अभी मैं मसाले के अंदर डाल देती हूँ। अच्छे से मिला लूंगी और फ्राई होने दूंगी। टमाटर अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अभी मैं 1 कटोरी पानी डालूंगी ताकि अच्छे से मसाला पक जाए। यहाँ पर मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देती हूँ और 5 मिनट बाद मैं देखती हूँ मसाला पक गया है। अभी मैंने उबाल के रखी दाल है वो मसाले के अंदर डाल देती हूँ। दाल में उबाल आ गया है और अभी मैं ढोकली डालूंगी दाल के अंदर। यहाँ पर जब दाल में उबाल आए तभी ढोकली को डालना है और इस तरह की ढोकली बनाई हुई आपस में नहीं चिपकेगी। तो सारी ढोकलियाँ मैंने दाल के अंदर डाल दी है और थोड़ी चम्मच से ला के देख लेती हूँ, देखिए किस तरह से अलग अलग पड़ी है सारी। तरह से अभी मैं धीमी आंच में पकने दूंगी थोड़ी देर। दस मिनट में धीमी आंच पे रखूंगी, ढक्कन बंद करके रखूंगी। अब 10 मिनट बाद मैं देखती हूँ। तो यहाँ पर दाल ढोकली तैयार है, देखिए इस तरह से थोड़ी ग्रेवी थिक हो गई है। ऐसे एक एक ढोकली अलग पड़ी है। तो आपको भी ये अगर डिश मेरी बनाई हुई पसंद आए तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना, आप सबको बहुत पसंद आएगी। अब मैं आधा नींबू निचोड़ देती हूँ। दाल ढोकली में मैंने खटाई के लिए टमाटर भी डाले हैं, थोड़ा नींबू भी निचोड़ा है। दाल ढोकली खट्टी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बारीक कट की हुई प्याज डाल रही हूँ दाल ढोकली के अंदर। थोड़े से हरे धनिए, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो मेरी बनाई गई रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।